जय माता दी। राधे राधे मित्रों, आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, नवरात्रि चल रही है। सप्तमी तिथि में पूजा पंडालों में तथा घरों में जिनके कलश स्थापित किए गए हैं, वहां आज माता सरस्वती का आवाहन होता है। माता सरस्वती के आवाहन का दिन है, किंतु नव दुर्गा में आज काल रात्रि की तिथि है। आज माता कालरात्रि की उपासना की जाती है, इनका आवाहन स्थापन और पूजन किया जाता है। आवाहन के पहले हाथ में पुष्प लेकर माता कालरात्रि का ध्यान करते हैं। एक बेड़ी जपा करना पूर्णा नग्न खरास्तिका लंबोष्टी कर्णिका करणी तैला भक्त शरीरिणी वाम पाद लता कंटक भूषण वरधन मूल दजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। इनका नाम ही भयंकर है। माता कालरात्रि भय का विनाश करने वाली होती हैं। राक्षस भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों के विनाश के कारण है माता कालरात्रि। इनका जहाँ प्रभाव होता है वहाँ राक्षस भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः वहाँ से हट जाती हैं और वह जगह सकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा कई विनाशकारी रूपों से भी माना जाता है। इनका काम ही है कि शत्रुओं के भय का नाश करना, असुरों के भय, असुरों का जो भय मनुष्य के शरीर में है, देवताओं के शरीर में, आसुरी शक्तियों का जो भय व्याप्त है देवताओं में, मानवों में, उसका संहार करना, उससे मुक्त करना। माता कालरात्रि का शरीर पूर्ण रूप से नग्न है और खर अर्थात गदहा इनका वाहन है। पूरे शरीर में तेल लगा हुआ जैसा दिखता है। लता कंटक भूषण जिनके आभूषण लताएं हैं, लताओं का आभूषण जिनका है, पूरा शरीर काला काला है और देखने से भय लगता है। तो भय इनसे खुद भयभीत हो जाता है और स्वतः वहां से हट जाता है जहां इनकी कृपा होती है। पूजा पंडालों में आज के दिन माता सरस्वती का पट खुलता है, उनका आवाहन होता है। आवाहन के बाद ही पट खुलता है, भक्तों को माता के दर्शन होते हैं। मूल नक्षत्र और सप्तमी तिथि के संयोग में माता सरस्वती का आवाहन होता है और इसी दिन से माता के आगमन की गणना भी की जाती है। ब्रह्मवश लोग कहते हैं कि नवरात्रि के शुरू के दिन से ही माता के आगमन की तिथि की गणना की जाती है। ऐसा मैंने कई जगह देखा, धर्म सिंधु, मृणय सिंधु, देवी भागवत, लेकिन कहीं भी इसका साक्ष्य नहीं मिला। केवल यही मिला कि त्रिदिनात्मक जो पूजा होता है वही से सप्तमी अष्टमी और नवमी की जो पूजा होती है उसी पूजा में माता के आगमन का विचार बताया गया है। तो मूल नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, उसी तिथि में माता सरस्वती का आवाहन किया जाता है और मूर्ति के पट खुलते हैं, जो भक्त लोग दर्शन करते हैं। इस वर्ष अर्थात आज सप्तमी तिथि और मूल नक्षत्र काशी के पंचांगों के हिसाब से मूल नक्षत्र रात्रि में 2:21 तक है, लेकिन सप्तमी तिथि संध्या काल में 6:22 तक ही है। अतः पूजा पंडालों में अथवा जिनके घरों में कलश स्थापित है वहाँ भी सरस्वती का आवाहन अगर करना है तो संध्या 6:22 के पूर्व ही होगा। आज माता रविवार के दिन होने से, मूल नक्षत्र होने और सप्तमी तिथि होने से इन तीनों के संयोग में अर्थात शशि सूर्य गजा ग्रह रविवार और सोमवार को अगर सप्तमी तिथि पड़े तो माता का आगमन हाथी पर होता है। अगजे जलदा देवी आज माता हाथी पर सवार होकर के आएंगी और इसका प्रभाव वृष्टिकारक होगा, जनमानस के लिए वृष्टि सुखदायक होगा, कृषि कार्य में लगे लोगों के लिए वृष्टि अधिक शुभ और लाभदायक होगी। धन्यवाद। राधे राधे।